हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल इंग्लिश बाबा। यार शुरुआत से लेके और अब तक एक बात मैं सबको बताता आ रहा हूँ, वो ये कि आपको यूट्यूब कंटेंट इंग्लिश बाबा का सर्च किस तरह से करना है, हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कंटेंट ऑफ इंग्लिश बाबा। सबसे पहला काम तो यार आपको ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को टैप कर लो। रोज मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं, सर विंड पोएम डाल दो, सर द लॉस्ट चाइल्ड डाल दो। भैया मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ वो चीज़ें। तीसरी बात ये है कि यार जो भी कंटेंट आपको ढूंढना है, फॉर एग्जांपल आपको ग्रामर में डायरी एंट्री चाहिए, तो सॉरी राइटिंग में डायरी एंट्री चाहिए, तो आपको कैसे ढूंढनी है? डायरी यूट्यूब सर्च बार पर लिखो डायरी एंट्री बाय इंग्लिश बाबा। आपको कोई चैप्टर ढूंढना है अ लेटर टू गॉड मान के चलो, तो लिखो अ लेटर टू गॉड बाय इंग्लिश बाबा। आपको कोई पोएम ढूंढनी है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, तो लिखो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय इंग्लिश बाबा। कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक आपको ढूंढना है उस टॉपिक का नाम लिखो और आगे लिखो बाय इंग्लिश बाबा। कुछ लोग कंटेंट तो ढूंढ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप क्या लिखोगे यूट्यूब पे? द स्नेक एंड द मिरर क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा। समझ में आ रही है मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लिखोगे द स्नेक एंड द मिरर बाय इंग्लिश बाबा। कोई भी टॉपिक आप ढूंढो यार, मैं बता के हर वीडियो में थक गया हूँ कि जब भी आप कोई भी कंटेंट ढूंढते हो उसके आगे बाय इंग्लिश बाबा जरूर लगाया करो। दूसरी बात आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये, मैं हर वीडियो में अपना नंबर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, आपको कोई कंटेंट ना मिले तो मुझे बताओ। इसका कुछ लोग गलत मतलब समझ रहे हैं, बच्चे को लग रहा है कि मेरी मैडम कुछ होमवर्क देगी और सर मेरा हाँ काम करवाएंगे। मैम ने क्या किया, आपको चार क्वेश्चन दे दिए, बच्चे ने उस चार क्वेश्चन के फोटो खींचे और मेरे पास भेज दिए, सर इनके आंसर भेज दो। देखो यार मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक वीडियो बनाता हूँ पूरे चैप्टर की, मैं क्वेश्चन आंसर बनाता हूँ पूरे चैप्टर के। अब बच्चा क्या कह रहा है, सर मेरे एक ये जो क्वेश्चन है, एक तो इसकी वीडियो और इसकी वीडियो चारों की एक साथ बना के मुझे भेज दो। कुछ बच्चों को शायद ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाना इतना आसान है और ये 2 मिनट का काम है, सर फटाफट हमें भेज दो। कुछ बच्चों को लग रहा है कि उनका जो मिड टर्म एग्जाम हुआ है वो उसकी फोटो खींच के मुझे भेज देते हैं, सर ये रीअरेंजिंग बताना, सर ये अनसीन पैसेज बताना। देखो यार शुरुआत में मैंने ये वाला काम किया था, आई डिड इन द स्टार्टिंग, लेकिन आप मानो या ना मानो रोज मेरे पास ऐसे 100 से ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जिसमें बच्चा कहता है मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो। देखो यार ट्यूशन पढ़ाने में और यूट्यूब पे पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर है। व्हाट्सएप पे मैं केवल आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप कहते हो सर हमें वो वाला चैप्टर नहीं मिल रहा वो भेज दोगे क्या, तो मैं वो उसका लिंक आपको भेज सकता हूँ, दैट्स इट। आप ये सोचो कि आपको ट्यूशन फ़ोन पे पढ़ाऊंगा कि नहीं बेटा यहाँ एस और एस लगेगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, ये काम मैं नहीं करूँगा। आई होप कि जो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता था आप सबसे वो क्लियर हो गया होगा। ओके सो बाय।